तरीके से काम में चल रही सफाई का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि नगरीय प्रशासन की बैठक में शहर को टैंकर मुक्त बनाना तय किया गया था और शहर की सुंदरता की पहचान होती है शहर के प्रत्येक तालाब को साफ रखना। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि रायपुर के सबसे बड़े तालाब बूढ़ा तालाब को साफ किया जा रहा है और हजारों ट्रक जलकुंभी निकाली जा चुकी है। तालाब को मरीन ड्राइव की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। हम लोगों ने पिछले साल एक टास्क दिया था कि अब हमारे शहरों में टैंकर मुक्त हमको शहर बनाना है, उसमें काफी सफलता मिली, बहुत कम टैंकर रह गए। शहर किसी भी शहर की सुंदरता की पहचान होती है, तो इसे हम न केवल सुरक्षित करें बल्कि उसका सौंदर्यीकरण भी करें, पानी भी साफ हो। रायपुर के ऐतिहासिक धरोहर बूढ़ा तालाब के दिन अब बदलने वाले हो। सौंदर्यीकरण के लिए 16 करोड़ का बजट पास हुआ है। मरीन ड्राइव टेलीबांधा की तर्ज पर विकास किया जा रहा। सौंदर्यीकरण के पहले चरण में तालाब की सफाई की गई जिसमें 2000 ट्रक मलबा निकला है और इस संबंध में महापौर एजवास घेबर से बातचीत की है संवाददाता सत्या राजपूत ने। बूढ़ा तालाब के दिन बहुत जल्द बदलने वाले हैं, इसका कायाकल्प जारी है। सौंदर्यीकरण आज सीएम यहाँ पे पहुंचे हुए थे, आलोकन करके गए और यहाँ पे मैं पहले दिखाऊंगा कि ये ब्लू प्रिंट है। तो इस तरह के यहाँ पे बूढ़ा तालाब को तैयार किया जाएगा। यहाँ पे हर वो सुविधा होगा जो मरीन ड्राइव तेलीबांधा में मौजूद है, तो ठीक इसी तरह इसको डेवलप किया जाएगा। महापौर एजाज घेबर हमारे साथ मौजूद है, उसे जानते हैं ये कितना समय लगा आप लोग को ये बूढ़ा तालाब को सफाई करने में? पहले तस्वीर कुछ और थी, अभी देखने में कुछ और। सर हमारे जो सफाई कर्मचारी, हमारे सफाई मित्र और साथ साथ जो मछुआरे की जो हमको टीम मिली, उसके अलावा जो हमारे जो MIC मेंबर हैं, वो लोग ने बहुत जबरदस्त यहाँ पर मेहनत करी। पहले चरण की बात करें तो सफाई हो रही है, दिख रही है तस्वीरें, फिर सेकेंड चरण में सौंदर्यीकरण का काम होगा, क्या क्या सुविधा होंगी? ये विवेकानंद जी की प्रतिमा है, ये हमारा लक्ष्मण झूला जाएगा, फिर यहाँ से आदमी इस लक्ष्मण झूले से यहाँ भी आ सकता है, फिर यहाँ पीछे से निकल के उस तरफ भी इस लक्ष्मण झूले से निकल सकता है। ये पूरे तालाब को टच करेगा, ऐसा हमारा वो बनेगा फ्लोटिंग, ये आप देख रहे होंगे ये पूरा फ्लोटिंग है। उसके अलावा हम इसमें ये आगे चल के ऐसा करके कैनोपी टाइप कर देंगे, जैसे अभी हम खड़े वैसे ये नदी से ऐसे निकल के, तालाब से ऐसे निकल के इस तरीके की फ्लोटिंग बनेगी जिसमें आदमी बैठ के अपने परिवार के साथ में बढ़िया एंजॉय कर सकता है, खा भी सकता है। उसके अलावा इसमें जो सबसे बड़ी जो वो है, इसमें आपको वो बताना चाहूंगा कि आप देखेंगे ये फव्वारे टाइप के दिख रहे हैं, ये 100-100 फीट के फव्वारे ऊपर में आएंगे, क्योंकि फव्वारे ऊपर आने से पानी को नीचे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो नीचे पानी साफ होता है। तो मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है और प्रमुख सचिव जी ने भी इसको बहुत पहले कहा था, तो ये इस तरीके के ये फव्वारे भी आएंगे 100-100 फीट के। तो यह फिर पूरे तरीके से इसमें हमने पार्किंग की भी व्यवस्था हमने देखी है। क्या बजट रखा गया ये तमाम सुविधाओं के लिए? अभी बजट की अगर बात करूँ तो अभी 14-15 करोड़ का बजट है, 15 करोड़ का करीब बजट है, क्योंकि फिर इसमें हम ये चाह रहे हैं कि इसमें चौपाटी भी अच्छी डेवलप हो जाए, अच्छी चौपाटी भी वो हो जाए, चारों तरफ से बहुत सुंदर लगे, चारों तरफ से पाथवे हो चलने के लिए वो हो। आपने एक पूरी प्लान कर ली गई है, बहुत ही जल्द इनको मूर्त रूप दिया जाएगा जिस तरह पहले से ये तिरस्कार मार झेलते आया है और इनकी दुर्दशा बहुत भद्दी हो गई, जिसकी वजह से आज यहाँ पे 2000 ट्रक कचरा निकाला गया और पहले स्टेप का काम हो गया। दूसरा स्टेप में आज एक चुनौती है क्योंकि गर्मी तेज है और बारिश का दिन है, तब देखना ही होगा कि ये मूर्त रूप में कब आता है। कैमरा मैन सोलाराम के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस। इंदौर जिले में